हा प्रभु आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आयुष्मान भव पंडित जी आप भी कम नहीं है वैसे। सर ऐसे मत बोलना, बीवी कुछ और बोल देगी। मैं बात करता हूँ भाभी से। मत करिएगा। लेकिन एक बात है पंडित जी, सतयुग का जो दौर था ना मतलब अलग था, ना पाप था ना पॉल्यूशन था, और मुहावरे भी कितने अच्छे अच्छे थे, शुद्ध। आजकल क्या बोल रहे हैं मुहावरों में, परिवर्तन ही शाश्वत है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हो क्या रहा है ये पंडित जी? सर पता नहीं हो क्या रहा है, वैसे फिलहाल इस मैट पे भी अगर जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। नॉट फॉर चेन्नई क्विक गन, लेकिन जो बाकी की 5 टीम्स है अल्टीमेट खो खो में, उनको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी इफ दे वॉन्ट टू पिक आउट राम जी को रोकना है तो कुछ ना कुछ। राम जी को नहीं रोक सकते। रिफ्रेश कर देता हूँ, अगर उनको राम जी का शब्द चेन्नई क्विक गन्स को रोकना है, राम जी का शिप चेन्नई क्विक गन्स वाले, और उनको अगर रोकना है आपको प्रभु, तो फिर वजीर अस्त्र चलाना पड़ेगा, और एक नहीं दो दो चलाने पड़ेंगे। पावर प्ले बेसिकली, पावर प्ले जैसे ही राम जी का शिप आ रहे हैं, जिस भी बैच में आ रहे हैं वहां पे पावर प्ले डाल दो, तुरंत ले लो। और एक और चीज करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि पहले आप राम जी को एंड के लिए छोड़ रहे थे, इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा, सीधे पीछे। जैसे ही राम जी आए, दो वजीर अस्त्र उनके पीछे, सबसे पहले राम जी को आउट करने की ट्राई करो, फिर राम जी की चाल देखो कितनी दूर तक जाती है। ना सर, क्योंकि इट कुड और कुड नॉट वर्क अगेंस्ट यू, लेकिन अगर चला और अगर जबरदस्त चला और आपने पहले 40 सेकंड में ही राम जी कश्यप को चलता किया, उसके बाद जो दो बंदे मैट पे हैं वो बौखलाएंगे, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी नो मैन्स लैंड। आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है दोस्त, कि आप मिनट गवाओ, टैग ना लो यहाँ पे। और राम जी ने जो तीन तीन ड्रीम रन के पॉइंट लिए थे, दिस इज द रिस्क वर्थ टेकिंग, 100% वर्थ टेकिंग, ले लो। इसीलिए हम कहते हैं परिवर्तन ही शाश्वत है।